फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। जी तो व्लॉग बना रही हूँ मैं, और बना मैं किस चीज़ का रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, बस मैंने रैंडमली स्टार्ट कर लिया। बट हो मेरे साथ क्या रहा है, आप लोग ये सोचें कि अभी जो है मेरी कल फ्रेंड की बर्थडे, अभी एक की गुजरी है 22 को और एक की कल है, और ना मैंने उस 22 वाली को अभी तक बर्थडे दिया है, बर्थडे गिफ्ट दिया, और ना अभी जो कल वाली है ना, जिसकी जिसकी कल है उसका भी मैं अभी तक गिफ्ट नहीं लेकर आई। इंटरेस्ट में अभी टाइम 7 होने वाले हैं, और कोई सीरियस ही नहीं लेता मुझे, घर में कोई सीरियस लेता ही नहीं। और मैं मम्मा को इतनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे ले जाएँ सदर, मैं उसका गिफ्ट ले आऊँ, लेकिन भाई ना, वो जाकर उस कमरे में सो गई हैं, और मैं बाबा से अब खुद ही बात करके आई हूँ कि मुझे उसका गिफ्ट लेना है, तो आप प्लीज़ मुझे ले जाए। तो बाबा कहते हैं चलो शुक्र है। तो अब जो है दोनों को मैंने कल ही गिफ्ट देना है। ऐसा कभी हुआ है जिस दिन बर्थडे होती है लोग उस दिन गिफ्ट देके फारिग हो जाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ माशाल्लाह से दोनों को कल फाइनली मैं जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। और मैं जो हूँ यकीन करें सुबह से मम्मा को बोल रही हूँ कि मुझे गिफ्ट लेना है, मुझे ले जाए। तो मम्मा जो है वो पता नहीं क्यों मुझे सीरियस नहीं लेती। मम्मा बताया मुझे सीरियस क्यों नहीं लेती, इतनी सर्दी है क्या करें, सर्दी का और गिफ्ट का आपस में क्या ताल्लुक है। सर्दी में जाया नहीं जाता, सर्दी में तो जाया नहीं जाता, सर्दी घर से निकलने को दिल ही नहीं करता, कैसे जाए। तो फिर एक काम करते हैं, एक और काम हो सकता है मम्मा जी, एक और काम हो सकता है मम्मा जी, वो ये काम हो सकता है कि आप जो है ना मुझे साल के पैसे दे दें, ताकि मेरी जिस जिस दोस्त की बर्थडे है मैं उसको इसको गिफ्ट देती जाऊँ, कैसा? ये सही है, ठीक है। देर से नहीं बोल रही। नहीं ले देंगे, साथ साथ ले देंगे, पापा से जान जाता है। अभी बाबा जो है वो थोड़ा सा बाइक का काम कर रहे हैं, और मेरी बड़ी बहन को मैंने साथ लेकर जाने की क्या कह रहे, तो मुझे वैसे ही कुछ समझ नहीं आती, तो उसको साथ लेकर जाऊंगी और फिर देखूंगी कि क्या गिफ्ट लेना है। एक के लिए तो मैं ले चुकी हूँ, उसके लिए मैंने ड्रेस लिया था, उसको लास्ट टाइम भी मैंने वही दिया, इस बार मैंने उसको वही देना है, क्योंकि मुझे गिफ्ट में बिल्कुल झल्ली हूँ, कुछ समझ नहीं आती गिफ्ट में क्या देना है। तो इस बार मैं अपनी बहन के साथ जाऊँगी, क्योंकि उसी ने मुझे ये भी आइडिया दिया था कि हम लोग गिफ्ट शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलते हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैंने मेरे दिमाग में ये बात की हुई है, तो हम दोनों मतलब गिफ्ट शॉप पर जाएंगे, और वहाँ से जो मुझे अच्छा लगेगा फिर मैं बोलूँगी। जी तो अब यहाँ से आपको वॉइस ओवर भी सुनने को मिलेगी, और दूसरी तरह भी मिक्स मतलब सब कुछ मिलेगा। खैर हम गिफ्ट शॉप पे गए, वहाँ पे मुझे कुछ भी दिखने को मतलब पसंद नहीं था आ रहा। मैंने बहन को कहा देखो मैं ठीक लग रही हूँ, बट वो कहती कि हाँ ठीक लग रही हो, ऐसे करो कैमरा ऐसे करो, और मेरे वो बाल सेट फिर करने लगी सही तरीके से। मैंने कहा चलो कर दो तुम। हम लोग आ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं। दरअसल मैंने कभी पब्लिक व्लॉगिंग की ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं होती किस तरह से, एंड यू नीड सच में अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कसम से अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। खैर मैंने गिफ्ट देखना स्टार्ट किए, तो कुछ मुझे ना मतलब ये छोटे छोटे जो फ्रेम थे ना अल्लाह ताला के नाम के, या इस तरह का कुछ भी मिल जाता था वो बस मुझे कुछ अच्छे लगते थे। बाकी अगर कहो ना कि कुछ ठीक हो वो नहीं था। ज्वेलरी बॉक्सेस थे, वॉच गिफ्ट वॉच थी उसके अंदर, मतलब खाली खाली था सब कुछ, ये खाली डिब्बे पड़े हुए थे। मैं अपनी बहन को कह रही थी कि इसमें बंदा वो जो शादियां नहीं होती उसमें डाल के जो देते हैं आप कुछ ना कुछ, तो वो इसमें डाल के दे दो, लेकिन गिफ्ट के लायक कुछ नहीं था। ये देखो यहाँ पे हमारा प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पर वेजिस, और ये हमारा काम डिप्टी। आओ उधर ज्वेलरी वाले सेक्शन में देखिए, डिप सॉस ले से रख सकते हो। डिप्टी हम कस्टमर, मेरी दोस्त का गिफ्ट लेने आए हैं, हम जो है तुम्हारी शॉपिंग नहीं करने आए यहाँ पे। अपनी अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी, दोस्त का गिफ्ट लेने से अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी। इधर इधर आ, इधर आ, उधर चल, उधर चल, हमारा काम उधर है, इधर नहीं। क्यूट सबसे इसी लेमन जूस वाले, उसने क्या कर दी थी लड़की का, दोस्त का गिफ्ट हुआ कैंसिल और इसकी शॉपिंग हो गई स्टार्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके लिए तो कुछ नहीं लेके जाएगी, लेकिन पक्का अपने लिए कुछ ना कुछ ले जाएगी। मुझे तो मुझे बताएगी कुछ ये भी क्या। फिर जी मैं अपनी बहन को मतलब डिप्टी को इंसिस्ट करके ले ही गई ज्वेलरी वाले सेक्शन पर। वहाँ मैंने देखना स्टार्ट किया चलो मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए और मैं यहाँ से कुछ ले जाऊँ उसके लिए, मतलब 3 से 4 चीज़ें। बट
थी तो सही, बहुत ज़्यादा कुछ था, लेकिन क्वालिटी मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं थी आ रही। गोल्डन में था सब कुछ, ज्वेलरी वाले सेक्शन में भी, या फिर सिल्वर में तो मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। दूर से सब बहुत ज़्यादा मतलब फ़ाइन लग रहा था, यार मज़े का होगा, लेकिन जब करीब जा कर देखो ना तो कोई इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं थी। और स्पेशली जब आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो तब देख दूख के ही देना पड़ता है। हम यहाँ पर आए तो हैं और हमने देखा भी है, लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। मतलब कि इतना मामा को ज़रूरत है चकले बेलने की, तो यहाँ पर ये बोल रही है कि मामा को ज़रूरत है चकले बेलने की, तो हम वो ले लेते हैं। मुझे बेटा मैं तुम्हें 100 बार बोल चुकी हूँ, हम दोस्त का गिफ्ट लेने हैं, हम तुम्हारी शॉपिंग नहीं करने आए। देन जी हम उस गिफ्ट शॉप से निकले और हम गए फिर उससे नेक्स्ट गिफ्ट शॉप में, हमें साथ साथ थी सारी, तो हम फिर मतलब ए डिप्टी बात सीधी सीधी बात करते हैं, यहाँ से जो है ना कोई भी अच्छा सा परफ्यूम ले लेते हैं, क्योंकि मेरी जो दोस्त है ना उसको परफ्यूम अच्छे लगते हैं, और उसको ज़्यादातर अच्छे लगते हैं जेंट्स परफ्यूम, तो इससे बेहतर यही है कि हम कोई अच्छा सा परफ्यूम ले लें। मेरा दिल है मैं ये ले लूँ, है अभी ऊपर बना होगा, आई डोंट नो। हाँ परफ्यूम स्प्रे ही है, बट क्योंकि उसे जो है ना परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है, यहाँ पर भी है, ये इतनी मज़ेदार सेंटेड कैंडल है। बट खैर मैं जो ना देख रही हूँ कोई अच्छा सा गिफ्ट जो अच्छा भी लगे। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने जितनी दुकानें छान मारी है ना उतनी किसी ने नहीं मारी होंगी कभी भी। फिर ये मैं गई, ये देखा फिर से वही चीज़ मैं आपको जो बता रही थी कि अल्लाह पाक के नाम वाली, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे फ्रेम्स थे। ये मुझे अच्छा लगा है, ये वाला मुझे अच्छा लगा है, और ये जो है ना ये पीछे मुझे नहीं पता क्या किस तरह से बना हुआ है, बट ये भी अच्छा है। बट अब मेरा जहन यही है कि मैं जो उसको या तो दूँ ये, या फिर उसको कोई अच्छा सा परफ्यूम दे दूँ जेंट्स, बिकॉज शी लाइक्स जेंट्स परफ्यूम। 200 बार एक ही बात कर देती हूँ यार मैं भी, क्या हूँ। डिप्टी नज़ीर फिर से एक बार बर्तनों के खडौनों के इन्हीं के सेक्शन में आते हुए 200 बार इधर ही आते। मुझे लगता है शायद मेरी कोई हेल्प करवाने जा रही है, कुछ ढूंढने जा रही है, लेकिन नहीं भाई इसने तो मुड़ चुड़ के वही काम करना होता है, फिर से मुड़ चुड़ के उधर बर्तनों वाले सेक्शन में आ जाती है। ये देख चलता ही होगा जाहिर है, डिसाइड करने के बाद उसके बाद मैं गई बुक शॉप पे, मुझे वहाँ से एक बुक चाहिए थी लीनियर अलजेब्रा की, देख मैंने ली लेकिन ली नहीं क्योंकि मेरी क्लास में सबने 12 एडिशन ली थी, मैंने कहा मैंने भी अब वही लेनी है बस। मैं लेकर आ चुकी थी और मैं इतनी डर हूँ कि मेरे जहन से ही निकल गया वो जो जिसमें डालते हैं गिफ्ट, वो मैं लेना भूल गई, लेकिन खैर ये मेरे एक गिफ्ट का पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसी को अब यूज़ कर लेती हूँ क्या कर सकते हैं। उसके लिए लिया था मैंने ये परफ्यूम, और एक इसके अलावा मेरी एक और फ्रेंड थी जिसकी बर्थडे थी 22 को, उसको भी मैंने गिफ्ट नहीं दिया था क्योंकि रोज़ मेरा पैकिंग का मसला था, पैक नहीं किया, तो उसके लिए मैंने लिया था ये ड्रेस। अगर आपने मेरे बर्थडे वाला व्लॉग देखा हो तो आपको याद होगा मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था ऐसा ही ड्रेस, तो इतना कोई लाइक अच्छी क्वालिटी का था, तो मैंने सोचा फिर उसको मैं यही दूंगी। ब्लू कलर में देना था लेकिन उसके पास ब्लू बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने सोचा अब यही दे दूँगी। खैर और ये हैं वो रैप शैप, और ये रैप करती हूँ, और रैप करने के बाद एक दो मैंने लिखना है कार्ड लिखूँगी और दोनों के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। रात को गिफ्ट पैक करके जाना था सुबह मैंने, लेकिन मेरा बिल्कुल रात को दिल नहीं था, मैं इतना थक चुकी थी, तो फिर मैं सुबह गई तो मेरी फ्रेंड्स ने भी नहीं किया हुआ था, कुछ काम करने वाला था मतलब सेलिब्रेशन वगैरह, डेकोरेशन वगैरह, तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर पैक करवा दिया, मैंने कहा चलो शुक्र है, दोनों उन्होंने ही पैक करवाए थे मेरे साथ, तो ये उसने मुझे पैक कर दिया, तो बहुत प्यारा पैक किया था लाइक क्या बोलूँ। उसके बाद ये बच गया था, वो मुझे कहती है तुम रख लो नेक्स्ट किसी को गिफ्ट दोगी तो यही उसी पे रैप कर देना। उसके अलावा हमने चिट्स वगैरह लिखी थी, आगे जाके आप लोग देखेंगे तो ये इन्होंने नहीं लिखी थी, मतलब एक दो हम लोग आए हैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने, और कितनी प्यारी मानो है, हम लोग केक लेकर आए हैं और ये लोग इजाज़त मांग रहे हैं केक लेने की। हाँ पता है हैंड फ्री लगाए हुए हैं क्योंकि ज़्यादा गला ना फाड़ना पड़े इसलिए। मिल गई इजाज़त, यूनिवर्सिटी है फिर भी मतलब कुछ भी लेके आने की इजाज़त नहीं है, यूनिफॉर्म ही बैन किया, यूनिफॉर्म के बगैर आओगे तो बाहर ही खड़े रहोगे। फिर परमिशन नहीं थी मिली, हम दूसरी तरफ गए रिक्वेस्ट करने
कि प्लीज़ हमें लेकर आने दें, उन्होंने भी मना कर दिया। ये लोग जा रहे हैं क्योंकि हमें केक लेके आने की इजाज़त नहीं मिली और बिस्ती करवा के हम लोग वापस जा रहे हैं। सारी ज़िंदगी में इतना रुसवा नहीं हुए जितना आज हम लोग हो गए, लेकिन खैर अभी हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर से इजाज़त लेने, उसके बाद हम लोग केक लेकर जाएंगे और फ्रेंड की बर्थडे शर्टी करेंगे। उसके बाद मैंने एक लेक्चर लिया इस्लामियात का, सीट सारी फुल थी क्योंकि दोनों सेक्शन एक साथ बैठे हुए थे। फिर मैं नीचे ही बैठ गई ज़मीन पे और मेरी फ्रेंड्स मुझे देख के ऐसी जा रही, पता नहीं क्या कर रही थी। तो फाइनली मैंने सारा काम कर लिया, केक भी सजा दिया है, उसकी 21 बर्थडे है तो हम लोगों ने 21 की कैंडल्स लगाई हैं। बट क्या अभी तक कोई आया ही नहीं, पता नहीं। हम लोगों ने इसके लिए सारे गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, इसमें हमसा का गिफ्ट है, इसके साथ शायद वो इसके लिए कोई प्रैंक करना चाहती हैं। इसमें जो है वो पड़ी हुई है बर्थडे की सारी चीज़ें, जैसे ये एक हो गया, ये तो आई डोंट थिंक सो भी ये लगेगा क्योंकि उसका चले जाना है एक बार। बट इसमें ये बैलून्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये और इसके लिए सारे जो है ना उन्होंने बनाई हैं, क्या कहूँ इन्हें, मतलब कि ना ये सब हम सब ने लिखी थी मिलकर, और उसको पीछे हम सब ने अपना अपना नाम लिखा जिस चीज़ ने जो जो चीज़ लिखी, और सब ने लिखी टोटल 8-8, और वो 8-8 सारी जो है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। फिर जी बस वही उसने इस बॉक्स में जो है बैलून डाले, बैलून भरने के लिए, हवा भरने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास और मेरी तो सारा ऑक्सीजन इसके अंदर ही चला गया। खैर हमने ये भरे, उसके नीचे चिट्स वगैरह रखी, उसके नीचे पत्ते रखे, घास फूस रखी, मुझे कुछ नहीं भाई इसकी समझ आई ये क्या था। और जिसको दिया था ना उसके लिए भी कोई प्रैंक नहीं था, वो तो ऐसे उसका रिएक्शन ऐसे था जैसे उसे ना पहले से ही सब पता है। फिर हमने इसको कोई 10 मिनट लगा के पैक किया, इतनी मुश्किलों से ये पैक हुआ, और जितनी मेहनत लगाई इसे पैक करने में लगी ना, इसे खोलने में उतना ही 1 सेकंड लगा बस। बहुत सारे जतन करने के बाद हमें फाइनली एक क्लास मिल चुकी है बर्थडे करने के लिए, और मैं ये चीज़ें उठा के नहीं जा रही क्लास में ताकि जो है मैं वो ये सारी उसको चीज़ें दे सकूँ, बट हो रही मेरे मुझे हो जा रही है खुद। और हमें भी बुला ही लिया कि वहाँ पर आकर तुम, तो मतलब हम वहाँ ही उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई रूम नहीं मिला, एंड फाइनली हमें कोई रूम मिल ही गया है, तो ये अभी बहुत सारे काम करने वाले हैं, ऊपर से 2 बजे बस जी। फिर हमने फटाफट से ये डेकोरेशन स्टार्ट की क्योंकि 2 बज गए थे, बाबा भी आ चुके थे, जल्दी जल्दी जितना काम हुआ किया। अभी जाने लगी मैं बाकी चीज़ें लेने, और फटाफट से वो बाकी चीज़ें लेके और वहाँ पर सेट करते हैं, और फिर उसकी करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट। बट वो बेचारी अकेली बैठी हुई है वहाँ पे अभी मैं उसको लेने जा रही हूँ, उसको लूँगी, वहाँ जाएंगे सारा सामान लेके, है भी बहुत ज़्यादा, फिर हम लोग वो सारा काम करते हैं। और बाकी मैंने पकड़ा हुआ ये इसमें घास फूस के अलावा और यूनिवर्सिटी के पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन वो होते हैं ना मोए मोए लाइफ होने जाना, और उसके साथ प्रैंक भी तो करना है, तो बस वही करेंगे फटाफट से। और क्या क्या है वैसे, उसने तो गिफ्ट बढ़ा, गिफ्ट बाकी के बड़े नहीं जितना ये बड़ा है, ये उसको देंगे तो फिर बाकी काम करेंगे। यहाँ पर करेंगे हम लोग सेलिब्रेट, और ये इतने बड़े गिफ्ट को मैं रखूँगी यहाँ पर बस जी। फिर वो आई और हमने बर्थडे सेलिब्रेट की, और यहाँ पर हुई सबकी बर्थडे ख़त्म। अब दिसंबर में आएगी, फिर बनाऊंगी व्लॉग, उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।